अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे घर में भिंडियाँ चिकन बन रहा है और साथ में दाल चावल, मूंगी मसूर की दाल और साथ में वाइट राइस। हर किसी का जो है ना वो अपना अपना तरीका होता है। ये मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी अभी इस्लामाबाद से आए हैं, तो मैं तो अभी नहीं कुकिंग कर रही हूँ। मैं प्याज वैसे इस तरह से नहीं डालती होती हूँ, फ्राई करके मैं जो है ना दम के अंदर डाल देती होती हूँ। भिंडियाँ डाली, पहले चिकन का मसाला बनाया और साथ ही भिंडियाँ के साथ ही मैंने ना प्याज़ों को डाल देना होता है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है। आज भी मैं उसी तरह से ही दिखाऊंगी जैसे मैं पहले कुकिंग दिखा रही थी कि ये चूल्हा इसका बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं इस्लामाबाद में दिखा रही थी उसी तरह से मैं दिखाऊंगी। पकता हुआ खाना दिखा दूंगी कि ये पक रहा है, आज ये खाएंगे, ये बना रहे हैं, और रेसिपी उसकी नहीं बताऊंगी। और ये वैसे भी इन चीज़ों की जो है ना मैंने पहले रेसिपी जो है वो डाली हुई है। और मैं दिखाऊं, भिंडिया उससे पहले फ्राई हो चुकी है, ये पहले कर ली थी। अब वो चिकन का मसाला बनेगा। चावल जो हैं वो तकरीबन 15-20 मिनट ठहर के बनाए जाएंगे। पहले दाल बनेगी, तड़का लगेगा, फिर उसके बाद इसकी भी आंच अब कम कर दूंगी। ये जो भिंडियां फ्राई की हैं, प्याज ना उनके लिए चिकन है, अभी थोड़ी देर ये पकेगा। ऐसे ही बस बीच बीच में से दिखा दूंगी, वैसे मैं प्रॉपर ना बना रही हूँ और ना दिखाऊंगी प्रॉपर ना। ये दाल को तड़का लगा रहे हैं, इसको लाइट ब्राउन करके इसके अंदर मैं जीरा शामिल कर दूंगी थोड़ा सा। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आके बीच में थोड़ा सा कर लेती हूँ, वरना मैं बना नहीं रही कि जो मैं दिखाती उसी के अंदर डालते हैं। गर्मी भी लाहौर के अंदर खूब है। अभी इसके अंदर धनिया थोड़ा सा शामिल करेंगे। और ये चिकन, भिंडिया, ये भिंडिया शामिल कर दी बीच में और साथ ही जो फ्राई हुए हुए प्याज है। अगर सब्ज़ मिर्चें पसंद करते हैं तो सब्ज़ मिर्चें बेशक एक या दो काट के बीच में वो भी शामिल कर लें। अभी इसको थोड़ी देर के लिए दम दिया जाएगा, बहुत थोड़ी देर का, क्योंकि जैसे मैं पहले बता रही थी कि मैं तो प्याज कच्चे ही डाल देती हूँ लेकिन फिर थोड़ी देर का दम दे देती हूँ ना। तो इसको थोड़ी देर का होता है क्योंकि वो प्याज कच्चे होते हैं। ये सब्ज़ मिर्च जो है वो जाएगी इसके अंदर, अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अगर टेस्ट आप लोगों का है तो ज़रूर बनाएं। ये लें जी, खाना हो गया तैयार, उबले हुए राइस भी और साथ में टमाटर प्याज,
और ये चपाती उसके साथ, भिंडिया चिकन के साथ, और ये है दाल निबे नाल। ये ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है, धनिया और सब्ज़ मिर्चें वगैरह। सब्ज़ मिर्चें तो दिखाई लेकिन धनिया मैंने नहीं दिखाया था आपको। और इसी तरह गुजारा करते हैं। जाहिर है मैं तो अभी कुकिंग नहीं कर रही हूँ, तो फिर इस तरह की मूवीज़ में दिखा देती हूँ, रबते में तो रहूँ ना। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं राइस जो है ना वो उबाल रही हूँ, बॉइल्ड राइस बना रही हूँ। तो मुझे एक चीज़ का ख्याल आया कि मैं आपको बताऊँ। ये मैं एक गिलास मैंने राइस लिए हैं और उसी हिसाब से पानी, जिस तरह के हम पुलाव वगैरह का बीच में खुशक करते हैं ना, और एक चम्मच ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और मैंने इसके ऊपर से पानी नहीं उतारना बॉइल्ड राइस के, हमेशा ऊपर से पानी उतरता है, लेकिन नहीं, मैं इसको बीच में ट्राई करूँगी। जैसे कि पुलाव के अंदर हम डालते हैं एक गिलास अगर है राइस तो एक दो गिलास पानी, उस तरह से। और जो मुख्तलिफ चीज़ है जो आपको बताने जा रही हूँ या जिस वजह से बता रही हूँ, बॉइल्ड राइस आसानी से ही बन जाते हैं। खैर जो बच्चियों ने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वरना दूसरों के लिए नहीं इतना मुश्किल होता। मैं ये बना रही हूँ ऑयल के बगैर, ऑयल घी लगाए बगैर, तो इसी वजह से मैं नॉनस्टिक के अंदर भी बना रही हूँ कि नीचे ना लगे ना, इस वजह से मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है। तो ये मुझे बस इतने से ही चाहिए थे, थोड़े से ही। और अगर किसी को मतलब नहीं खाना ऑयल वाला खाना या ऑयल वाले राइस, तो मैं इस वजह से शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से बनाए जा सकते हैं। पानी जैसे ही उबला तो मैंने राइस शामिल कर दिए, नमक आपके सामने मैंने शामिल किया है, और ऑयल वगैरह इसके अंदर डलना ही कोई नहीं है। इसको मैं इस तरह से पकने दूंगी, ढांप दूंगी, और कुछ देर के बाद जो है ना, थोड़ी देर और पकेंगे तो मैंने फिर इसको दम पे लगा देना है। तो बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी दम वाली ना, फिर मैं दम दूंगी। लेकिन अभी तो खैर पकेंगे, थोड़ी दरमियानी आँच पर पकेंगे, ना बहुत तेज़ है आँच और ना बिल्कुल हल्की है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं हल्की करूँगी आँच।